मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के कालशेखर अस्पताल को ठाणे महानगर पालिका ने कोविड 19 के इलाज के लिए घोषित किया है। अब कालशेखर अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। आपको बता दें कि मुंब्रा में काफ़ी चर्चा थी कि कालशेखर अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज होगा और इसके अलावा और भी अन्य मरीजों का इलाज भी साथ में चलेगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनपा द्वारा जारी सर्कुलर के हिसाब से और कालशेखर अस्पताल की सीईओ आफरीन सौदागर ने बताया है कि कालशेखर अस्पताल में सिर्फ कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का इलाज होगा, इसके अलावा और किसी भी तरह के मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव के इलाज के लिए 2 मई से अस्पताल चालू हो जाएगा, पूरी तैयारी हो गई है। वहीं कालशेखर अस्पताल में जो डायलिसिस के मरीज थे उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। कालशेखर अस्पताल के डायलिसिस मरीजों को डोंबिवली कटाई नाका साई अस्पताल में जाकर डायलिसिस कराना होगा। कालशेखर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव के लिए पैसे चार्ज किए जाएंगे। अगर आप जनरल वार्ड या एसी वार्ड में भर्ती होंगे तो उसके हिसाब से इलाज के लिए आपको पैसे पे करना पड़ेगा। क्या जानकारी दी है कालशेखर अस्पताल की सीईओ आफरीन सौदागर ने। अश्विन मैडम, ठाणे महानगर पालिका ने कालशेखर हॉस्पिटल को कोविड 19 के लिए घोषित किया है, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसमें कोविड 19 के अलावा और भी अन्य पेशेंट जो है उनका भी इलाज किया जाएगा। जो सर्कुलर हमें मिला है परसों रात में 9:30 के करीब हमें सर्कुलर आया है। डॉक्टर केंद्रे साहब ने खुद हमें वो सर्कुलर भेजा है। उस सर्कुलर को अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि कालशेखर हॉस्पिटल सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज करेगा। जो नेगेटिव पेशेंट्स हैं, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, उनका इलाज कालशेखर में नहीं होगा। वो पेशेंट्स जुपिटर है, प्राइम है, रहमानिया है, बुरहानी है, ऐसे हॉस्पिटल्स में उनका इलाज हो सकता है, बट कालशेखर में उनका इलाज नहीं हो पाएगा। यानी सिर्फ कालशेखर अस्पताल में कोविड 19 के पॉजिटिव मरीज हैं उन्हीं का इलाज होगा। जी, जो कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स, कंफर्म पॉजिटिव पेशेंट्स रहेंगे, सिर्फ उन्हीं के इलाज के लिए 70 से 80 बेड जो है कालशेखर हॉस्पिटल के वो दिए गए हैं। इसके अलावा डायलिसिस के जो पेशेंट आपके यहाँ थे तो उनके लिए क्या बंदोबस्त किया गया है? डायलिसिस पेशेंट्स जो थे, क्योंकि वो नेगेटिव पेशेंट थे बट वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, इसलिए टीएमसी से काफ़ी बात करने के बाद अभी आज हमें साई हॉस्पिटल जो है कटाई नाका डोंबिवली में उनसे इजाज़त मिल गई है। उनके पास भी महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, क्योंकि अपने जो 108 पेशेंट हैं वो सारे योजना में पेशेंट हैं, वो फ्री में इलाज होता है उनका यहाँ पे। तो इंशाल्लाह कल से ये सारे पेशेंट साई हॉस्पिटल कटाई नाका पे जाएंगे डायलिसिस के लिए। यह हॉस्पिटल में कब से जो है कोविड 19 के मरीजों की जो है शुरुआत होगी? जो सर्कुलर आया था उसके हिसाब से हमें आज से शुरुआत करनी थी, बट हमारी भी तैयारी नहीं थी क्योंकि परसों रात में सर्कुलर आया था, तो इंशाल्लाह कल सुबह से हम कोविड 19 के पेशेंट्स लेना शुरू करेंगे। जो कोविड 19 के पेशेंट यहाँ कालशेखर में एडमिट होंगे तो उनके लिए कुछ चार्जेस वगैरह हैं? जी, उनके बेड चार्जेस रहेंगे, जो पेशेंट रूम कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर जनरल वार्ड में रहते हैं तो उनके जनरल वार्ड के चार्जेस अलग रहेंगे, प्राइवेट में रहेंगे तो प्राइवेट के अलग, और स्वीट रूम में रहते हैं तो स्वीट रूम के अलग अलग चार्जेस हैं। यानी पे करके जो लोग इलाज कराना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं? जो पे करके इलाज कराना चाहते हैं वो कालशेखर में आ सकते हैं। यानी कि कालशेखर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज होगा, वो भी इलाज के पैसे देने होंगे, मगर मुसीबत उन डायलिसिस के मरीजों के लिए हो गई। अब उन्हें डोंबिवली साई अस्पताल में जाकर डायलिसिस कराना पड़ेगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।